हाँ जी, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े के इतने आसान घर में शाही डोरे, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, ठीक है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, फैमिली में शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, और ये मज़ेदार से शाही डोरे कैसे तैयार होते हैं तो आप लोग लाजमी इसे ट्राई कीजिएगा। तो इसे हम चेक करते हैं। तो हाँ जी, इतने मज़े के आप लोगों ने इसे ज़रूर ट्राई करना, ठीक है, ये आप लोगों के लिए। माशाल्लाह से इतने टेस्टी तैयार हुए हैं। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, ये मज़ेदार से कैसे तैयार होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, हम भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं शाही टुकड़ा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बिल्कुल इतना घर में आप आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें चाहिएगी ब्रेड, और ब्रेड को हम साइडों से कट कर लेंगे, ठीक है। तो इसके हम चारों कोनों से कट कर लेंगे। तो आप जिस साइज में रखना चाहें आप रख सकते हैं, आप गोल शेप में रखना चाहें तो उस साइज में रख लें, ठीक है। तो आप चाहें तो लंबाई में रखना चाहें तो लंबाई में भी रख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो हम जिस साइज में हमें चाहिए हम साइज में ही कर लेंगे, ठीक है। तो इनको हम साइड पे कर देंगे। तो हम कट कर लेंगे, हमें चाहिए इस साइज में, ठीक है, हम इस ऐसे कटिंग इसकी कर लेंगे। तो हाँ जी, इसी तरह हम सब की कटिंग कर लेंगे। तो हाँ जी, हमने सबकी कटिंग कर ली है, अब हम इनको फ्राई करेंगे। आप चाहे तो इनको इसमें भी कट कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे रखें जैसे आपको ठीक लगे। तो हाँ जी, बर्तन हमने गर्म होने के लिए रख दिया। तो हम इन्हें करेंगे देसी घी में फ्राई करेंगे, ठीक है। तो देसी घी में इनका ज़रा ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, और देसी घी में ही आप कीजिएगा, ठीक है। मक्खन के साथ भी आप कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। तो हम देसी घी से कर रहे हैं। तो घी हमारा जो बस अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए, तो फिर इसे हम फ्राई करते हैं। तो घी जो हमारा फ्राई हो गर्म हो चुका है, ठीक है। तो अब हम दो दो पीस करके ऐड करते जाएंगे और इनको फ्राई करते जाएंगे। तो अब हम इनकी साइड है वो चेंज कर लेंगे। एक साइड से हो चुके हैं, दूसरी साइड से करेंगे। तो इसी तरह हम सब कर लेंगे। तो हमने इनको क्रिस्पी क्रिस्पी करना है, ठीक है, और दोनों साइडों से ये हो चुके हैं। तो अब हम निकाल लेंगे और ऐड कर देंगे। तो माशाल्लाह से देखें, इनको हमने जलाना नहीं है, ठीक है। तो हल्की आग रखनी है आपने, ज़्यादा आग तेज़ नहीं करनी। अगर आग तेज़ रखेंगे ना तो ये जल जाएंगे। तो इसी तरह हम सबको कर लेंगे। तो हाँ जी, 1 लीटर मैंने दूध लिया है, ठीक है। दूध को मैंने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया था, और ये मैंने ली है चीनी, पिस्ता, बादाम, इलायची, ठीक है, और कस्टर्ड पाउडर। ये सारी चीज़ें मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर। तो पिस्ता, बादाम था, जो काजू था, इन सब चीज़ों को मैंने पीस लिया था, ठीक है, चीनी के साथ ही। तो 1 लीटर मैंने दूध दिया है, ठीक है। तो मैंगो फ्लेवर में मैंने कस्टर्ड दिया था। तो अच्छे तरीके से हम इसे पकाएंगे, ठीक है, जब तक ये गहरा ना हो जाए। तो इसे हमने हिलाते रहना, ठीक है, ये नीचे ना लगे, ठीक है। तो बस ये तैयार हो चुका है, और 5 मिनट तक इसे मैं पकाऊंगी। और इतनी जल्दी में ये तैयार हो जाते हैं, तो कोई मेहमान वगैरह आने हो तो आप इसे तैयार करके रख लें और ठंडा ठंडा करके खाएँ, और बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है इसके साथ, बहुत ही ज़्यादा मज़ा लगता है। आप आइसक्रीम की जगह इसे घर में तैयार करके खा सकते हैं, सर्दी का मौसम है, ठीक है। तो बच्चों को भी बना के दें और ख़ुद भी खाएं। और बस और 5 मिनट तक इसे मैं पकाऊंगी, ठीक है। तो हाँ जी, तैयार हो चुका है। तो हम नीचे से चूल्हे को ऑफ़ करते हैं और इसे थोड़ा ठंडा करते हैं, तो फिर हम ऐड करते हैं।
हाँ जी, हल्का हल्का हमने इसे ठंडा कर लिया, तो हम ऐड करते जाएंगे। तो नीचे जो है ना, मैंने बड़े पीस लगा दिए, तो ऊपर मैं दूसरे छोटे पीस लगाऊंगी। तो इनको भी मैंने फ्राई कर लिया था, ठीक है। तो ये सब ऐड करती जाऊंगी मैं साथ साथ। अब मैं पीस लगाऊंगी छोटे वाले। आप चाहे तो इसे ऐसे कर लें, ठीक है, जैसे आपका दिल करे। तो इसी तरह हम सब लगा लेंगे। तो हाँ जी, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, फैमिली में शेयर करें। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय, फिर मिलती हूँ।